हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटेर सिबगंज बरेली में। हम आपके लिए जैसा कि चैप्टर यहां पर चल रहा है आपका निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, तो इस एक्सरसाइज में आपके लिए केवल दो क्वेश्चन बचे हैं, वो आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 चल रही है निर्देशांक ज्यामिति की, और इसमें क्वेश्चन नंबर आपके लिए बताना है हमें, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि Q0.1 है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। P और R से समदूरस्थ का मतलब है P की P बिंदु है एक, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -3, और एक Q है और एक R है, R है x, 6। ये समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर हैं, ठीक है। P और Q जो हैं वो यहाँ पर P और R समान दूरी पर हैं, तो आपको निकालना है x का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? x का मान, x का मान ज्ञात करो, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे और फिर हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, ये दूरी निकालेंगे। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं पी क्यू निकालता हूँ, तो पी क्यू के बीच की दूरी, यानी पी क्यू, तो पी यहाँ पर पी के बीच की दूरी निकालूंगा, इसको मानूंगा एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू और इसको वाई टू। तो यहाँ पर आप करेंगे रूट के अंदर वाई टू माइनस वाई वन, यानी वन माइनस वाई वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। तो यहाँ पर हमने किया y2 टू माइनस वाई वन किया, y2 का मान है 1 और y1 का मान है -3, तो ये हमने कर लिया, प्लस का हो गया। फिर है x2 टू माइनस एक्स वन, यानी 0 माइनस एक्स वन का मान है 5 का होल स्क्वायर, ये दूरी आ गई, ठीक है। अभी आप इसको सही तरीके से लिख लेंगे, 1 और माइनस की गुणा माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इस तरीके से अब हम Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे, तो हम लिखेंगे Q R के बीच की दूरी 0, 1 और R का मान है x, 6, तो ये x, 6 लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए, देखिए इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे और इसको x2 मानेंगे और इसको y2 मानेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान है 6 और y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को दूरियों को बराबर कर देंगे, तो बराबर कर दीजिए दूरियां, तो यहाँ 3 और 1 4 है, तो मैंने लिखा रूट के अंदर 3 और 1 4 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर, ये बचा 6 में से 1 गया 5 के स्क्वायर और x-0 यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चक्के 16 और ये +5 25, ये हो गया बराबर में, इधर देखिए 5 25 और प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 प्लस का है, इधर भी 25 प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर बराबर 16। अगर x स्क्वायर बराबर 16 बचा है, तो इसी तरीके से आप देख लीजिए कि x बराबर आ जाएगा ±4, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब एक सवाल बचा है आपके लिए, 16वां क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आपके क्वेश्चन के साथ, तो 16वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई। 16वां क्वेश्चन यहां पर करते हैं, इधर 16वां क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, एक्स तथा वाई के बीच संबंध ज्ञात करिए जबकि बिंदु x, y समदूरस्थ है। जैसे मान लो आप लिखो x, y जो है वो समदूरस्थ है किन बिंदुओं पर, 3, 6 और एक बिंदु है -3, 4, इनसे समान दूरी पर है एक बिंदु x, y, तो समदूरस्थ होगा, तो x और y में रिलेशन ज्ञात करना है, x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम पहले इनके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो मैं इनके बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना,
मैं 3.6 लिखा, इसको P मानो, इसको Q मानो, इसको R मानो। तो PQ के बीच की दूरी निकालूंगा, ये P बिंदु है और Q बिंदु लिख लो आप X, Y। तो हम इसको मानेंगे X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2। तो आप निकालिए स्क्वायर रूट के अंदर Y2 - Y1। तो Y2 का मान यहाँ पर क्या है, Y है, और -Y1 का मान क्या है, 6 है, Y - 6 का होल स्क्वायर प्लस X2 - X1। X2 का मान है X माइनस, और X1 का मान है आपके लिए 3, तो X - 3 का स्क्वायर। ये दूरी हो गई समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम निकालेंगे QR। Q बिंदु हमारे पास क्या है, Q बिंदु है X, Y, और R बिंदु है -3, 4। तो हम इसको मानेंगे X1, इसको मानेंगे Y1, इसको मानेंगे X2, इसको मानेंगे Y2, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो निकालिए भाई Y2 - Y1 यानी 4 - Y का होल स्क्वायर, और प्लस X2 - X1 यानी X2 का मान है -3 और X1 का मान यहाँ पर X, तो -X का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देंगे आराम से, और हमारे पास एक एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ पर दोनों समीकरणों को बराबर करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ करते हैं इन दोनों समीकरणों को बराबर। ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर Y - 6 का होल स्क्वायर प्लस X - 3 का होल स्क्वायर बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर 4 - Y का होल स्क्वायर प्लस -3 - X का होल स्क्वायर। ये है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो आप देखिए Y - 6 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा Y - 6 का होल स्क्वायर प्लस X - 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 4 - Y का होल स्क्वायर और प्लस -3 - X का होल स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर खोलेंगे सबका। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² - 2AB, तो Y² हो जाएंगे यहाँ पर, और फिर 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और -2AB यानी 2×6 = 12। अब X - 3 का होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा X², फिर आ जाएगा आपके लिए +3×3 = 9 और -2×3 = 6X। इसी तरीके से इधर भी करो, 4² = 16 और +Y² और -2×8 = 2AB होता है, तो 2×4 = 8 हो जाएगा 8। इसका खोलिए, +3² करोगे तो 9 आ जाएगा, +X² करोगे तो X² आ जाएगा, और -2AB होता है तो ये -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2×3 = 6X। अब यहाँ पर क्या है, अब इसको देखिए ये कौन कौन सी टर्म कटेगी, तो आपके लिए X² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस उधर है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 9 भी कट जाएगा, तो 9 भी कट गया, 6X है, ये Y² है, देखिए Y² से Y² कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म। हमारे पास बचा 36 - 12Y, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 36 - 12Y, 36 - 12Y और -6X बराबर में इधर बचा है हमारे पास 16 - 8Y और +6X। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये +6X इधर आएगा और ये 36 उधर चला जाएगा। तो आप ऐसा करिए, -12Y है और ये वाला Y 8Y इधर ले आओ, +8Y हो जाएगा, ठीक है। 12Y लिख लिया मैंने और +8Y इधर कर लिया करके, फिर आपके लिए क्या करना है, ये बराबर में इधर देखिए 16 लिखा हुआ है और ये 8Y उधर चला गया, 6X इधर बचा है, तो +6X लिख लो, और ये 6X उधर है माइनस का, तो इधर ले आओ, +6X इधर हो जाएगा, और 36 है तो प्लस का है तो इधर ले आओ, -36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 12Y में से 8Y चला गया तो -4Y बचा बराबर में, यहाँ पर देखो 36 है, 36 में से 16 चला जाएगा तो घटा लो 0, 3 में से 1 दो 20, तो यहाँ पर आपके लिए बचा 20, वो भी -20 और +6X 12X। तो आप देखिए यहाँ पर -4Y है और ये 12X इधर ले आओ, -12X हो जाएगा बराबर में -20 हो जाएगा। 4 से भाग कर दीजिए तो -Y बसा, -4×3 = 12 और X और 4×5 = 20, -5। अब क्या है, माइनस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा Y + 3X = 5, यही आपके समीकरण बन जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपके लिए आंसर निकाल के पूरा रख दिया है।
इस तरीके से ये क्वेश्चन दोनों करे जाएंगे, यानी आपके लिए 15 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और 16 क्वेश्चन नंबर जो हमने आपके लिए करा दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लगभग जो पार्ट आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो के, तो उनमें अब एक्सरसाइज का एंड हो गया है। 16 क्वेश्चन थे तो 16 के 16 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए गए हैं। आप एक एक पार्ट आप पीछे से देख सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिले तब, तो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 के पूरे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और जो बहुविकल्पी प्रश्न है मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसकी, और उसमें आपको मिलेंगे पूरे पूरे बहुविकल्पी विद को आपके लिए पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा ही समझा करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया जाएगा। बाकी आपकी एक्सरसाइज फिनिश होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।